वैसे अगर IMF पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता भी है तो उससे देश का भला नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान पर चीन और बाकी देशों का कर्जा भी है जिसे चुकाना आसान नहीं। तो शायद यही वजह है कि पाकिस्तान की आवाम भारत का गुणगान कर रही है। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSA जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहते हैं, वहीं पाकिस्तान के लोग तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि भारत इतना आगे निकल चुका है कि उसका पीछा करना भी अब आसान नहीं होने वाला। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, लिटरली हम बहुत पीछे हैं, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है, मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। जबकि पाकिस्तान की आवाम तो अब भारत को उस्ताद मानते हुए अपनी ही सरकार और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने लगी है। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गए हैं। और फिजी के नाड़ी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उद्घाटन समारोह में फिजी के राष्ट्रपति और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। सम्मेलन का मकसद हिंदी को वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ावा देना है। नागालैंड और मेघालय के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वादा किया है कि मेघालय में बीजेपी की सरकार आते ही 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर महबूबा मुफ्ती ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, हमें अवैध कब्जा करने वाला कहा जाता है जबकि ये जमीन हमारी है। 2022 में कोयंबटूर में हुए कार ब्लास्ट मामले में NIA ने बड़ी कार्रवाई की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने संदिग्ध ISIS से जुड़े समर्थकों के 60 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा। मध्य प्रदेश के सागर में घर से विदा हुई दुल्हन ससुराल पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो गई। लड़के पक्ष ने थाने में तहरीर देकर दुल्हन को ढूंढने की गुहार लगाई है। जी मीडिया के शो गेम ओवर के खुलासे के बाद चेतन शर्मा पर कार्रवाई की तलवार लटक गई। जी मीडिया के खुफिया कैमरे पर चेतन शर्मा ने जो कुछ कहा उससे बंद कमरे के कई राज बाहर आने के दावे किए जाने लगे। हालांकि इन दावों में कितना सच और कितना मनगढ़ंत है इसकी पुष्टि की जानी बाकी है, लेकिन BCCI ने इस मामले पर गौर किया। चूंकि राष्ट्रीय चयनकर्ता अग्रीमेंट से जुड़े होते हैं और उन्हें मीडिया या बाहर के लोगों से बात करने की इजाजत नहीं होती, इसलिए उन पर कार्रवाई का रास्ता खुल गया। बताया गया कि BCCI ने उनके आरोपों पर चेतन शर्मा से बात की और इस मामले में मुख्य चयनकर्ता से जवाब मांगा। चेतन शर्मा से हुई इस बातचीत के बाद उन पर एक्शन का रास्ता साफ हो गया। बताया गया कि चेतन शर्मा की कुर्सी जाना लगभग तय है। इस बीच इस मामले में सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई। BCCI ने तुरंत उनकी जांच करनी चाहिए और तब तक उनको बाजू में बिठाना चाहिए। वो सिलेक्शन कमेटी के प्रमुख होने के नाते ये ऐसा बोल नहीं सकते और अब वो सिलेक्शन कमेटी के प्रमुख रह नहीं सकते। BCCI ने हाल ही में चेतन शर्मा को दूसरी बार चयन समिति का अध्यक्ष बनाया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में खेले गए T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लचर प्रदर्शन के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया था। और इस तरह चेतन शर्मा दूसरी बार विवादों की वजह से मुश्किल में फंस गए। भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा ने जिस तरह के खुलासे किए उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गई और इस बात का एहसास चेतन शर्मा को भी था। यही वजह रही कि जैसे ही जी न्यूज पर उनकी कही बातें दिखाई जाने लगी, टीम और क्रिकेट को लेकर उनके खुलासे पर नए सिरे से उनका रुख जानने के लिए जी न्यूज की टीम मेहरोली पहुंच गई। दिल्ली के मेहरोली में इसी अपार्टमेंट की दूसरी मंजिल पर चेतन शर्मा रहते हैं। उनके फ्लैट पर पहुंचने के बाद जी न्यूज ने घर की घंटी बार बार बजाई। देखिए इस वक्त यहाँ पर उनकी नेम प्लेट हमें दिख जाएगी। हमने इस वक्त डोर बेल यहाँ पर साफ तौर पर बजाई है कि यहाँ पर कोई क्या आज हमें ये जवाब देगा। जी न्यूज ये कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड के चयनकर्ता का दरवाजा बार बार खटखटाए जाने के बावजूद इस बार घर के दरवाजे बंद ही रहे। जी न्यूज की कोशिश थी कि जो चीज उस खेल को पूजने वाले करोड़ों लोगों को जो पूछते हैं जिस खेल को, उसकी कुछ चीजें नहीं पता चल पाती हैं लेकिन वो असल में होती हैं, वो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई, उन क्रिकेट प्रेमियों तक पहुंचाई कि आप इन चीजों को भी जानिए कि आखिर वो पर्दे के पीछे की कुछ चीजें हैं जो आपसे छूट जाती हैं, उसको जी न्यूज आप तक पहुंचा भी रहा है, उसके बाद उन लोगों से सवाल कर रहा है लेकिन कोई भी जवाब देने के लिए राजी नहीं है।
बताया गया कि जब जी न्यूज की टीम चेतन शर्मा के घर पहुंची तो वो घर के अंदर ही थे। दिल्ली में बीसीसीआई के मुख्य चयनकर्ता के दरवाजे बंद रहे तो हमारी दूसरी टीम मुंबई में बीसीसीआई के दूसरे अधिकारी के घर पहुंच गए। मकसद एक ही था, उनके ही मुख्य चयनकर्ता के खुलासे पर बीसीसीआई का रुख जानना और ये जानना कि जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जो खुलासे किए गए उससे भारतीय क्रिकेट के कर्ता धर्ता कितने सहमत हैं। सहमत हैं तो क्यों और सहमत नहीं हैं तो क्यों, यही जानने के लिए जी न्यूज की टीम बीसीसीआई के ट्रेजरर आशीष शेलार से मिलने में कामयाब रही। लेकिन चेतन शर्मा के हवाले से जी न्यूज पर हुए खुलासे पर आशीष शेलार एक ही जवाब दोहराते रहे। आप उसके बारे में वेट करें। लेकिन दिल्ली से मुंबई तक बीसीसीआई के अधिकारियों ने भले ही चुप्पी साध ली लेकिन चेतन शर्मा ने जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर जिस तरह के दावे किए उसके बाद बीसीसीआई के पूर्व अधिकारियों का सब्र जवाब दे गया। और इस मुद्दे पर पहली प्रतिक्रिया बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष टीसी मैथ्यू की आई जिन्होंने चेतन शर्मा को फौरन उनके पद से हटाने की मांग कर डाली। And BCCI should take the call to remove Chetan Sharma from the chairman of selectors. मैथ्यू ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच अनबन को लेकर चेतन शर्मा ने जो भी दावे किए उसे खारिज कर दिया और दावा किया कि दोनों अच्छे क्रिकेटर होने के साथ ही अच्छे प्रोफेशनल भी हैं। And when Virat was little out of form, then as a captain, Rohit Sharma has given full support to Virat Kohli. बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष टीसी मैथ्यू ने चेतन शर्मा के सभी दावों को मनगढ़ंत और दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। अब जाहिर है जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन से बीसीसीआई में खलबली मच गई और इसका असर क्रिकेट की दुनिया पर भी दिखा, खासकर उन लोगों पर जो दिन रात मेहनत कर भारतीय क्रिकेट का भविष्य तैयार करते हैं और दिन रात क्रिकेट से जुड़े लोगों के संपर्क में रहते हैं। ऐसे लोग चेतन शर्मा के तमाम दावों को झुठलाते दिखे। पेन किलर लेता होगा, पेन किलर तो वो भी जो टीम के डॉक्टर या पर्सनल डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया हुआ, पर्सनल डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया तो टीम के डॉक्टर के पास जाके वेरीफाई करके ये लोग लेता है, तो मैं ये नहीं मानता। असल में जी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने कुछ खिलाड़ियों पर खुद को फिट साबित करने के लिए गलत दवा लेने का आरोप लगाया था। इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से नहीं। जब मतलब कुक लेके जा रहे हैं बड़े सुपरस्टार हैं इनके पास फिर डॉक्टरों की कमी, सही बात, जब मतलब कुक लेके जा रहे हैं। चेतन शर्मा ने बंद दरवाजे के पीछे होने वाली बातों के सच होने का दावा कर जो कुछ भी खुफिया कैमरे पर कहा उसे पूर्व क्रिकेटर बीजू जॉर्ज ने गलत करार दिया। यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के प्रमुख चेतन शर्मा के खुलासों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा। इन खुलासों ने क्रिकेट के दिग्गजों और खेल प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया। तो क्रिकेट में अपना भविष्य देखने वालों की हालत की तो कल्पना ही की जा सकती है। ये काफी डिमोटिवेटिंग चीजें हैं जो भी सामने आई हैं। क्योंकि चेतन शर्मा ने गलत दवाइयों और गलत तरीके से फिटनेस लेने के आरोप टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर लगाए, इसलिए खेल प्रेमियों ने पूरे मामले की जांच की मांग शुरू कर दी। यदि ये ऐसी चीज हुई है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हालांकि राज्य स्तर पर क्रिकेट खेल चुके खिलाड़ी फिटनेस के लिए गलत दवाइयां लेने के चेतन शर्मा के आरोपों से बिल्कुल भी सहमत नहीं। कोई डॉक्टर या कोई फिजियो या टीम का डॉक्टर उसे सजेस्ट कर सकता है तो ये हो सकता है, मगर जहां तक मुझे लगता है प्लेयर को इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है।